ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। पटना के बेउर थाने इलाके के इंद्रपुरी में पिछले दिनों अपनी प्रेमिका को गोली मारने वाला सुबोध कुमार ने शुक्रवार को पूछताछ के क्रम में कई राज खोले हैं। पुलिस का यह मानना है कि सुबोध ने त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में काजल कुमारी पर गोली चलाई थी। सुबोध अपनी प्रेमिका काजल कुमारी की हत्या करना चाहता था, लेकिन भगवान की मर्जी कहे जिससे काजल कुमारी बच गई। पुलिस ने सुबोध कुमार को हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी को भी धर दबोचा है। इसके साथ ही पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया जिससे सुबोध ने अपनी प्रेमिका पर गोली चलाई थी। पटना के बेउर थाने के इंद्रपुरी रोड नंबर 4 में पिछले दिनों एक प्रेमी सुबोध कुमार ने अपने प्रेमिका काजल कुमारी पर कोचिंग से लौटने के क्रम में उस पर गोली चला दी थी। गोली काजल कुमारी की गर्दन पर लगी थी और वह घायल हो गई थी। इलाज के बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद सुबोध कुमार ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने सुबोध कुमार को पुलिस रिमांड में लेकर जब पूछताछ की तो इससे कई मामले सामने आए। पूछताछ के क्रम में सुबोध ने बताया कि काजल कुमारी से उसका कई माह से प्रेम प्रसंग था। इसी बीच काजल कुमारी का संबंध एक विकास नामक युवक से हो गया। विकास से प्रेम प्रसंग होने के बाद काजल कुमारी अब उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दी थी, जिससे बात को लेकर सुबोध कुमारी को काफी गवारा गुजरता था। सुबोध ने काजल की हत्या करने की ठान लिया। उसके बाद सुबोध ने नालंदा के राजा महतो से हथियार और गोली खरीदा। उसी हथियार से सुबोध कुमार ने काजल पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने नालंदा से शुक्रवार को राजा महतो को भी गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पटना के बेउर थाना में सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास करेगी। लड़की को गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेस में आया था। उसका जो है यूट्यूब चैनल में और भी काफ़ी सीसीटीवी फुटेज जो है चला था, जिसमें एक लड़के के द्वारा वो जब लड़की कोचिंग से वापस लौट रही थी तो उसे पीछे से गोली मार दिया गया था। फिर वो हॉस्पिटलाइज हुई और हॉस्पिटलाइज जो है यानी अभी भी वो जीवित है और स्वस्थ है। जब इस संबंध में अनुसंधान हुआ तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया। जैसा आप लोगों को विदित है कि वो सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे चैनल में भी चला था, रीजनल चैनल में भी और नेशनल चैनल में भी। उसमें उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया। जो लड़की के परिजन थे, वो जो लड़की थी उसका नाम काजल कुमारी था, उसके परिजन द्वारा उस लड़के को आइडेंटिफाई किया गया। वो लड़का जो था वो सुबोध कुमार था